नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव में एक तरफा जीत हासिल की है। इस चुनाव में टीएमसी को 3,317 सीटों में से कुल 2,552 सीटें जीती है। 232 पंचायत समिति और 20 में से 12 जिला परिषद सीटों पर भी टीएमसी की जीत हासिल हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्थान पर रही। बीजेपी को कुल 212 ग्राम पंचायत और 7 पंचायत समिति में जीत मिली है। हालांकि जिला परिषद में बीजेपी का खाता नहीं खुल सका। अभी भी कई सीटों पर चुनाव परिणाम का इंतजार है। पंचायत चुनाव में अपने शानदार प्रदर्शन को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने फेसबुक पर एक पोस्ट भी लिखा है। उन्होंने लिखा है कि पंचायत चुनाव में टीएमसी का बोलबाला रहा। हम इस जीत के लिए जनता का शुक्रिया अदा करते हैं। हम इस प्यार और समर्थन के लिए भी शुक्रगुजार हैं। इस चुनाव परिणाम में साबित कर दिया है कि राज्य की जनता के दिलों में सिर्फ टीएमसी ही बसती है। पंचायत चुनाव के लिए वोटों की गिनती मंगलवार सुबह शुरू हुई थी। यह चुनाव राजनीतिक पार्टियों के लिए मुख्य रूप से 74,000 से अधिक सीटों पर अपने कब्जे के लिए है। इन सीटों में 63,229 ग्राम पंचायत सीटों में से 9,730 पंचायत समिति सीटें और 928 जिला परिषद सीटें शामिल है। बता दें कि इस चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तृणमूल सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का लोकप्रियता की परीक्षा के रूप में देखा जा रहा था। इस चुनाव के दौरान कई स्थानों से हिंसा की भी खबरें आ रही थी, जिसके बाद टीएमसी और बीजेपी के बीच इस हिंसा को लेकर दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। सोमवार को भी रोमपलिंग के दौरान एक बार फिर कई बूथों पर हिंसा हुई। शनिवार से अब तक चुनाव संबंधी हिंसा में लगभग 40 लोगों की मौत हो चुकी है।